नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस समय मैं खड़ा हूँ घंटाघर पे देहरादून के, और हर बार की तरह एक बार फिर मैं देहरादून से जुड़े कई रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने आया हूँ। और आप देख सकते हैं देहरादून इस समय काफ़ी कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। इस समय घंटाघर का जो ये इलाका है वो भले ही आपको पहले जैसा ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको देहरादून के तमाम इलाकों में लेकर चलूँगा, तो वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि आखिरकार किस तरीके से देहरादून की स्थिति है, किस तरीके से क्या कुछ बदला है। और वहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार देहरादून में क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं फिर। दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से देहरादून में इन दिनों काफ़ी बदलाव हुए। देहरादून जब से प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ उसके बाद से काफ़ी कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिले। सड़कें चौड़ी हुई और उसके साथ साथ जो दीवारें हैं उनको लेकर भी एमडीडीए ने काफ़ी अच्छा काम किया। साफ तौर पर अब ये आप देख रहे होंगे, ये गांधी पार्क और घंटाघर से अभी दिलाराम बाज़ार तक जाने का इलाका है। और अपने आप में क्योंकि मैं मोटर व्लॉगिंग भी आपको इसके साथ साथ ये जानकारी जो है आपको मोटर व्लॉगिंग जैसी ही मिलती हुई नज़र आएगी, आपको लगेगा कि आप मोटर व्लॉगिंग भी देख रहे हैं साथ साथ आपको देहरादून के बारे में जानकारी भी। ये देखिए गांधी पार्क जो है वो आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं रैली की तैयारी है। और आगे जो है ये क्योंकि यहाँ से गांधी पार्क का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाता है और ये ओरिएंट सिनेमा आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। ये आपको इधर की तरफ को ये जो इलाका है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एसले हॉल चौक कहलाया जाता है। और यहाँ पर तमाम तरीके के जो बिल्डिंग्स हैं या फिर जो शोरूम्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी यहाँ पर दिखाया था, ये जो एसले हॉल जो है वो पूरा की पूरी जो बिल्डिंग थी वो मैंने आपको व्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी। तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि आपको आगे चल के दिखाएं कि क्या कुछ है और क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी हद तक देहरादून में यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ये आप एपण कला जो है वो सड़कों की बगल में आपको देख सकते हैं। देहरादून में इन दिनों जो है वो विक्रम चालकों पर भी काफ़ी मार पड़ी है, उनके जो जीपीएस लगाने के उनको निर्देश दे दिए गए हैं। और प्रदूषण के लिहाज से सरकार की कोशिश यही है कि कम से कम प्रदूषण हो, लेकिन ये कंजेस्टेड इलाका है आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं तमाम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर, ये मेन इलाका है लेकिन फिर भी कंजेस्टेड है। ये देख सकते हैं आप, ये इस समय हम परेड ग्राउंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी के काम हुए हैं। और यहीं से आपको एपण कला के जो नमूने हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्डिंगें जो हैं वो एपण कला से बनाई गई है, इसमें दीवारें सजाई गई हैं और काफ़ी हद तक एपण को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और परेड ग्राउंड में तो कई बार मैं आपको दिखाई चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जीर्णोद्धार हुआ है। वहाँ टंकी पे भी देख सकते हैं, टंकी को भी एक तरीके से एपण कला से सजा दिया गया है। और इधर आप देख सकते हैं ये दून क्लब की जो है, ये देखिए आप, ये मैं आपको करीब से लेके जाता हूँ, आपको दिखाई देगा कि ये किस तरीके की एपण कला है। ये जब हम कुमाऊँ में एपण कला जिसको कहते हैं वो सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रही होंगी, ये तमाम जगह पर देहरादून के कई इलाकों में ये इसी तरीके से बनाए गए हैं। वो आपको देहरादून के इस खास तौर पे इस हिस्से में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं, दुकानों के ऊपर आप देखेंगे ये सारी की सारे नाम हैं दुकानों के, वो सारे एक रंग के हो गए हैं। इधर भी आपको एपण कला का नमूना सीधे तौर पर दिखाई दे रहा होगा।
और जो ज़्यादातर दुकानें हैं अब आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर दुकानें हैं, इनके ऊपर के जो नाम हैं उनको भी एपण से वो किया गया है और एपण कला के माध्यम से सबको एक रंग में यानी लाल रंग में रंग दिया गया है, लाल सफ़ेद रंग में रंग दिया गया है। और ये देखिए, ये आपको ये है सर्वे चौक। सर्वे चौक का जो इलाका है वो आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़र आ रहा है। और उसके सामने आप देख सकते हैं ये सर्वे चौक का इलाका है, और सर्वे चौक पे क्योंकि ये सर्वे का इलाका है तो यहाँ पर जो तमाम सर्वे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पंडित नैन सिंह और रुद्रनाथ सिकदर, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन और दो इंडियन एक्सप्लोरर जो है पंडित नैन सिंह की, यहाँ पे उन्होंने पूरा की तरह एक मूर्तियाँ लगाई हैं। और क्योंकि एक्सप्लोरर से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, मैथमेटिशियन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। साथ ही में आपको यहाँ पर स्कूल जोन और ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रही होंगी। जैसे मैं आपको इससे पहले भी लगातार कह रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी हद तक जो ये दीवारें हैं वो एपण कला के माध्यम से सजाई गई हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी हद तक इस चौराहे को चौड़ा किया गया है, ये सर्वे चौक का इलाका है, ये इलाका काफ़ी चौड़ीकरण किया गया है। सामने आपको ITDA की बिल्डिंग यानी ITI जो है, महिला ITI वो दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके से पूरी सड़क के जो दीवारें हैं उसको MDDA के द्वारा वो विभिन्न तरीके की कलाकृतियाँ, जो विभिन्न तरीके की चीज़ें हैं वो करने की कोशिश की गई हैं। इधर भी आप देख सकते हैं ये जो हैं साइंटिस्ट, क्योंकि सर्वे का इलाका है तो आपको सब कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें योग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये पूरा यूनिवर्स यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एजुकेशन की वो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, यहाँ पे योग की तमाम पद्धतियाँ दिखाई गई हैं। ये देखिए आप, योग के कुंडलिनी जागृति, ये तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये जो चौराहा है ये अपने आप में बेहद चौड़ा हो गया है। और अब आप हम आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो आप आगे भी आपको कुछ इसी तरीके की स्थितियाँ नज़र आएंगी। ये अब हम सर्वे चौक से धर्मपुर की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक चौड़ीकरण दिखाई दे रहा होगा, सड़कें काफ़ी हद तक स्वच्छ बनाई गई हैं। अब ये देखिए आपको यहाँ पे अब सामने की बिल्डिंगें भी आप देखेंगे तो उनको भी उसी रंग में एक रूप में, इसको फसाद निर्माण भी कहते हैं या फिर उसको कहते हैं कि एक तरीके से रंगों में रंग दिया जाता है। ये देखिए किसी की दीवारें हैं और दीवारों में आप देख सकते हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में भी इसी तरीके का निर्माण किया गया है। सामने आपको एक किसी का पूरा का पूरा बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी 5 माले की, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से रंग किया गया है। कोशिश यही है कि अच्छा दिखे देहरादून, स्वच्छ दिखे, एक रूप में दिखाई दे। अभी एक नर्सिंग होम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का जो फसाद है वो निर्माण किया गया है, यानी एक रूप हर जगह दिखाई दे। ये पूरे देहरादून के इलाके में अगर देखा जाए तो देहरादून से जॉली ग्रांड तक का, जहाँ तक और यहाँ से देहरादून से विकास नगर तक के इलाके में ये तमाम चीज़ें की गई हैं। जहाँ स्कूल है वहाँ पर स्कूल के जैसा वहाँ पर पोस्टर्स बनाए गए हैं इसी तरीके के, और उन पोस्टरों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से देहरादून जो है वो साफ़ सफाई के उसमें पैमानों में आगे बढ़ा है। और ये जो है इस समय हम द्वारका स्टोर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। द्वारका स्टोर बहुत पुराना इलाका है, और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं इस रूट पे आपको जो देहरादून के रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा। ये देखिए आप, पूरी तरीके से आपको एक रूप दुकानों के ऊपर जो फसाद है वो एक रूप में नज़र आएगा, ताकि
कुछ अनइवन टाइप ना लगे कि किसी ने अपने हिसाब से बनानी है कि बना दिया। ये सब जो है वो जिला प्रशासन या फिर स्मार्ट सिटी, ये देखिए तमाम चीज़ें, दीवारें जो हैं, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है लेकिन अगर वो मेन रोड पे है तो उसमें MDDA के द्वारा, ये देखिए ये एक तरीके से ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है पूरी और उसमें बनाया गया है। तो हर जगह कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश जो है वो ज़रूर की गई है। और मैं आपको एक चीज़ आगे और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुछ वाटिकाएँ जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो हैं ये सौंदर्यकरण के रूप में ये जो नर्सरी टाइप की भी यहाँ पर बनाई गई है। आप देखेंगे ये एक तरीके से नर्सरी है, इसमें पौधे लगाए गए हैं, ये सब MDDA के द्वारा किया गया है। इधर की तरफ आप देखेंगे इधर भी जो बिल्डिंग है उसमें आपने नए पोल बिजली के खंभे दिखाई देंगे, और इसके अलावा ये कुछ ऐसे खंभे से लगाए हुए हैं, इनमें भी आने वाले समय में रात में लाइट जलती है और काफ़ी अच्छा ये नज़र आता है, क्योंकि ये सैनिक डिपो है। तो ये आप देखिए सैनिकों से जुड़े हुए आई लव माई कंट्री और उन तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सेना से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुमाऊँ रेजिमेंट का डिपो है और उसी तरीके का निर्माण जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपको, जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। अब मैं आगे की तरफ को आगे बढ़ता हूँ तो आप ये देखिएगा, ये जो है ये आरा घर का बाज़ार है। आरा घर के बाज़ार में भी कुछ उसी तरीके की जो स्थितियाँ हैं, चाहे बद्री केदार प्राचीन कॉलोनी हो या फिर अन्य तमाम जो किसी की भी दुकान हो, चाहे वो उसमें एक रूप, चाहे दवाई की दुकान हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे पेंटर की दुकान हो, सब एक रूप में दिखाया गया है, सब एक रूप में कर दिया गया है। और सर्वे चौक हो या फिर अभी मैं आपको दिलाराम बाज़ार की तरफ भी लेके जाऊंगा, वो भी काफ़ी हद तक बदला है। और ये देखिए ये इस समय जो है ये भूरा चिकन कॉर्नर, आपने जो फेमस जो लोग जानते हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है और काफ़ी हद तक ये किया गया है ताकि लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इन तमाम चीज़ों को रिजेंबल कर सकें, उनको लगे कि उत्तराखंड और ख़ास तौर पे देहरादून में काफ़ी कुछ बदला है। ये जो आप ये देख रहे होंगे, इससे पहले ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, ये जो तमाम वो बनी हुई थी, जो ये फड़े यहाँ लगती हैं, ये काफ़ी आगे तक यहाँ पर सड़क तक लगती थी। अब ये यहाँ पर ये बैरिकेडिंग टाइप के लगा दिए गए हैं और काफ़ी हद तक बदला हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। तो कुल मिलाकर भी देखा जाए तो अभी आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देहरादून में क्या कुछ बदला है। तो दोस्तों, मैंने आपको देहरादून के कई इलाकों के भी दिखा दिया है बदलाव किस तरीके से हो रहे हैं। और अब मैं थोड़ा देहरादून के जो बाहरी इलाका है, जोगीवाला, साइंसदारा, उधर के और उधर के इलाके से होते हुए आपको दिलाराम बाज़ार तक लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव जो है वो इन इलाकों में जोगीवाला में है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर ये टाइल्स लगने का काम जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है। इधर आप इधर देख सकते हैं ये नई टाइलें जो हैं वो लग रही हैं। चौड़ीकरण आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देगा। अभी तक जो पहले वो थी वो इतनी ही सड़क थी, जहाँ पे ये कार खड़ी है इतनी सड़क थी, अब वो चौड़ी करके काफ़ी हद तक इसको अच्छा खासा स्पेस बना दिया गया है। यहाँ पे तमाम घरों के जो दीवारें हैं उनको भी तोड़ा गया, जिसकी वजह से काफ़ी स्पेस हो गया। अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो हो गया है यहाँ पर। और ये जो है एक बेहद भरा पूरा सा इलाका अब दिखाई दे रहा है। तो सामने आपको मसूरी और नरेंद्र नगर की पहाड़ियां ज़रूर दिखाई दे रही होंगी आपको, और सीधे तौर पर इस तरीके के जो इलाके हैं, ये इलाका जोगीवाला का इलाका है। जोगीवाला से अब हम जो हैं 6 नंबर पुलिया होते हुए साइंसदारा की तरफ चलेंगे, वहां पर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से
निर्माण कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो आपको मैंने अभी ये जोगी वाला ये देखिए, आपको ये काफ़ी बड़ा स्पेस जो है वो दे दिया गया है, ताकि एक जो लोगों के लिए पार्किंग की भी समस्या ना हो, जिनकी गाड़ियां हैं वो पार्किंग भी यहां पर कर सकें, और उसके अलावा तमाम चीज़ें यहां पर की गई हैं। और अब मैं आपको ये साइंसदारा के लिए जाने वाली, साइंसदारा के 6 नंबर पुलिया के लिए जाने वाली रोड है, इसका ये थोड़ा अभी उतना ही है, इस पर ज़्यादा काम नहीं किया गया है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये काम ज़रूर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये जो तमाम इलाके यहाँ के हैं उनमें सीधे तौर पर जो है निर्माण कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। ये थोड़ा आउटर वाले इलाके हैं देहरादून के, देहरादून का आउटर ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि इनर वाला जो इलाका है हम मानते हैं कि घंटाघर के इलाके, दिलाराम बाज़ार के इलाके, राजपुर रोड को हम इनर का इलाका बताते मानते हैं, और बाकी जो ये इलाके हैं ये थोड़ा एक्सटीरियर से हो जाते हैं, थोड़ा बाहर से हो जाते हैं। तो इसलिए ये देखिए, आप सामने आपको जो है वो पहाड़ों के नज़ारे भी यहाँ से दिखाई दे जाएंगे, और ये जो है ये अब सीधा जो है वो 6 नंबर पुलिया वाला रास्ता जो है वो आपको दिखाई देगा, और 6 नंबर पुलिया वाला जो रास्ता है इसको भी खासा चौड़ा इसको किया गया है, माना जा रहा है कि क्योंकि ये जो चौराहा है इसमें भी भविष्य में निर्माण किया जाएगा, एक जो चौराहे का जो बीच में पार्क या छोटा सा पार्क बनाया जाता है। और ये देखिए ये जो है ये अम्बी वाला गुरुद्वारा की तरफ रास्ता चला जाता है, और ये अब हम आगे 6 नंबर पुलिया में, ये आप देखिए ये इस रोड को बहुत चौड़ा कर दिया गया है, बीच में डिवाइडर बना दिए गए हैं, जिससे कोई भी दोनों तरफ का जो वो हैं वो बने रहें, दोनों तरफ के पार्ट बने रहें सड़क के, इधर वाले इधर जाएं, दूसरे वाले उधर से जाएं। तो ये लगभग मुझे लगता है कि 4 लेन जो है सड़क जो है ये बन गई है, इससे पहले ये डबल लेन की सड़क थी, अब यहाँ पे लगभग कम से कम 2 गाड़ी एक बार में सीधे तौर पर, अगर कार जा रही हैं तो 2 गाड़ियाँ सीधे तौर पर जाती हुई नज़र आएंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये क्योंकि तमाम वो वाले इलाके हैं जो थोड़ा आउटर इलाके में हैं, और ये आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे इलाकों को, अब यहाँ पे यहीं से जो हैं तमाम लोग होते हुए साइंसदारा होते हुए मसूरी के लिए निकल जाते हैं, ये बाईपास वाला इलाका है, तो बाईपास वाले इलाके को थोड़ा मजबूत, क्योंकि यहाँ पे तमाम सरकारी कार्यालय भी आप देख सकते हैं, यहाँ राजस्व परिषद का ऑफिस है, इसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय यहाँ पर है, और तमाम ऑफिसेज जो हैं यहाँ पर खोले गए हैं, और जो ज़मीनें भी आपको काफ़ी हद तक दिखाई दे रही हैं। तो सीधे तौर पर ये जो तमाम जगह हैं वो ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं, और आप ये देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है वो थोड़ा फॉरेस्ट वाला इलाका भी है, ये हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा चौड़ीकरण दिखाई नहीं दिया है, लेकिन साइंसदारा में जब हम जाएंगे तो साइंसदारा में भी काफ़ी बदलाव जो है वो दिखाई दिया है, और उस बदलाव का भी मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से निर्माण, वहाँ पे भी इसी तरीके से डिवाइडर अब बना दिए गए हैं, और उससे एक तरीके से काफ़ी हद तक चौड़ा जो है वो रास्ता हो गया है, बहुत अच्छी देहरादून में इससे बदलाव दिखाई दिए हैं, एक जो मोनोटोनस सी स्थिति हो गई थी वो अब बदलाव दिखाई दे रहा है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में भी इसी तरीके के जो बदलाव हैं वो दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं ये जो इलाके हैं वो बहुत शानदार हैं, रहने के लिए भी पीसफुल इलाके हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये थोड़ा से जो यहाँ पे ये वो बन रहे हैं सड़कों के किनारे, आप टाइल्स लगती हुई दिखाई दे रहे होंगे, ये रोड रोलर खड़े हैं, तो यहाँ पर भी घूमने आना, शाम को घूमने आना लोगों को बड़ा पसंद होता है। तो अब हम जो है साइंसदारा वाली रूट पे
चलते हैं रायपुर वाली रूट पे चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों इस समय हम सहजधारा क्रॉसिंग से अब सहजधारा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इधर का भी नज़ारा देख सकते हैं। ये शायद पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, ये सड़क जो है बहुत चौड़ी कर दी गई है। इधर भी आप देख सकते हैं बेहद चौड़ीकरण जो है वो दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, इस सड़क पर जब से मैंने होश संभाला है कभी मैंने ये बीच में जो ये बनाए गए हैं वो उनको जो डिवाइडर्स हैं वो मैंने कभी नहीं देखे थे। और सड़क आप देख सकते हैं लगभग सिक्स या फिर लगभग सिक्स लेन तो ये बनाई दी गई है। इधर की तरफ तो मेरे को ज़्यादा चौड़ी लग रही है, उधर से थोड़ा मेरे को कम चौड़ी लग रही है सड़क, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये जो इलाका है ये बाईपास वाला इलाका है, यहाँ से अब ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो भेजी जाती हैं मसूरी के लिए। अब मेन जो रास्ता है वहाँ से नहीं, जैसे आशा रोड़ी से जो आ रहा है उसको गड़ी कैंट से होते हुए मालसी होते हुए वहाँ से मसूरी भेज दिया जाता है। अब ये वाला इलाका क्योंकि इसीलिए मजबूत करना पड़ा क्योंकि ये रास्ता जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया था, इसको इसका निर्माण किया जाना था और इसका काफ़ी हद तक चौड़ीकरण हो चुका है। अभी काफ़ी हद तक काम जो है वो जारी है और आगे भी आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी एक तो ये स्मार्ट बसें आप दिख रही होंगी, बहुत अच्छी बसें जो हैं इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर। और ये देखिए ये इलाका जो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं जो रहने वाले हैं उन्होंने इस इलाके को कभी इतना चौड़ा नहीं देखा होगा। सामने ऐसा लगता है सामने मसूरी दिख रहा है, काफ़ी चलने के लिए अब इतना स्पेस है इस पूरी रूट पे, इस पूरे रूट पे कि अपने आप में मज़ा आता है यहाँ पे गाड़ी चलाना। हालांकि जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं उतनी ही देहरादून की सड़कों पर भी नज़र आती हैं। अभी भी कहीं ये जो पूरा का पूरा जो डिवाइडर है ये पूरे रास्ते पर बना दिया गया है। अब आप यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये पाइप जो है वो रखे गए हैं। अभी भी निर्माण कार्य जो है वो सहजधारा रोड पर चल रहा है और ये देखिए ये आपको निर्माण कार्य होते हुए ये दिख भी रहे होंगे। ये चौड़ीकरण का काम है, कहीं पे सीवर लाइन डल रही है और देहरादून में इस तरीके के निर्माण कार्य MDDA या फिर MDDA से जुड़े हुए जो तमाम संस्थान हैं उनके द्वारा ये काम किए जा रहे हैं और लगातार ये जो कार्य हैं वो जारी हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये अभी ये निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन इससे आगे जो चौक पड़ता है जो अमृत फार्म्स के पास पड़ता है वो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए वो काफ़ी चौड़ा हो गया है। आप अगर सहजधारा के पूरे रूट तक आप जाएंगे तो बहुत अच्छा इलाका जो है वो चौड़ीकरण के उसमें है और यहाँ पर यूकिलिप्टिस के काफ़ी पेड़ हुआ करते थे। इस चौड़ीकरण के की वजह से काफ़ी पेड़ों की बलि जरूर दी गई है, लेकिन जैसा लगातार कहा जाता है कि इन तमाम चीज़ों को भले ही हटाया गया हो लेकिन विकास के लिए थोड़ा बहुत तो ज़रूर होता ही है। वहाँ पे आप इस यहाँ से पूरा का पूरा इलाका देखिए, पूरा शानदार जो है वो रोड जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर पुल भी, पहले यहाँ पर एक पुलिया सी थी, अब उसको चौड़ा करके एक पुल यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए उधर निर्माण कार्य अभी जारी है उस पुलिया को मजबूत बनाने के लिए और वहाँ देखिए ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य इस पूरे चौड़ीकरण में जारी है। यानी देहरादून में विकास कार्य जो हैं वो लगातार हो रहे हैं और जो कहते हैं कि विकास दिख कहाँ रहा है तो वो यहाँ पर मेरे इस ब्लॉग को देख सकते हैं, उसमें आपको निर्माण कार्य पूरे दिखाई देंगे। और आगे क्योंकि ये सहजधारा धारा वाला रोड है, लोग ये कहते रहे कि भाई इस पूरे रूट में ये जो है ये देखिए आप ये पहाड़ काटे गए, जो ये मिट्टी के टीले थे इनको काट दिया गया। अब ये पूरा रूट देखिए आप कितना चौड़ा हो गया है और काफ़ी हद तक इसमें स्पेस जो है वो आप खुल के आ रहा है। तो ऐसी स्थिति पूरे सहजधारा के रूट पे है। तो सहजधारा का पूरा रूट जो है वो इतना चौड़ा
दिखाई दे रहा है। अभी भी अगर देखा जाए तो एक साथ में यहाँ पर तीन कारें तो ज़रूर चल सकती हैं, जिससे यहाँ पर चलना, वरना यहाँ पर तो जाम की स्थितियाँ बहुत होने लगी थी। तो ये मैंने आपको सहस्त्रधारा का इलाका, ऐसा ही आईटी पार्क के आगे भी बहुत चौड़ीकरण कर दिया गया, जैसा मैं आपको दिखा रहा था। एमडीडीए ने हर जगह दीवारों पर इसी तरीके के पेंटिंग्स करवाई है, जिससे एक रूपता लगे पूरे शहर भर में, और वैसी ही एक रूपता यहाँ पर होती भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको जो है दिलाराम बाज़ार की तरफ को, वहाँ पर किस तरीके का निर्माण है, और उसके बाद मैं इस ब्लॉग को, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, उस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ करूँगा। तो मिलते हैं अब उस वाले रूट पे। तो दोस्तों, इस समय हम जो हैं वो कैनाल रोड है, ये कैनाल रोड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से तमाम, देखिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, स्काई स्केपर्स यहाँ पर भी बन रहे हैं, ये किसी का होटल बन रहा है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और बाकी आपको ये जो तमाम पुश्ते जो बने हुए हैं, या जैसा मैंने एक बार पहले भी दिखाया था, ये या इसके नीचे जो है वो नहर हुआ करती थी, और इस पे सड़क बनी हुई है, लेकिन अब काफ़ी हद तक इसको वो किया गया है, और काफ़ी कुछ बदल गया है कैनाल रोड भी। अब यहाँ पर ट्रैफिक जैम वाली स्थिति काफ़ी बनी रहती है, क्योंकि चौड़ीकरण वाली स्थिति तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना नहीं है कि यहाँ से चौड़ीकरण किया जा सके, लेकिन फिर भी इस रूट को काफ़ी हद तक चलने लायक, पहले लोग यहाँ से कम जाया करते थे। ये भी रूट जो है वो मसूरी में साईं मंदिर के पास निकल जाता है, वहाँ से जो है हेलीपैड के लिए निकल जाता है। और ये देखिए, ये ब्रह्म कमल जो है ये यहाँ पर बनाया गया है, जो ये यहाँ का चौक है उसमें ब्रह्म कमल का वो रखा गया है, ब्रास से बनाया गया है, और उसी तरीके का ब्रह्म कमल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये राजपुर रोड जो है वो है, और राजपुर रोड में काफ़ी जो है इधर की तरफ तमाम शोरूम्स हैं, कहीं पे कुछ सरकारी कार्यालय हैं, लेकिन ये इस रोड की अपने आप में अगर कहा जाए, ये देखिए यहाँ पर तमाम शोरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं वो यहाँ पर ये एसएसपी का कार्यालय आपको दिखाई दे जाएगा, और पुलिस विभाग से जुड़े हुए जो ये उनका आवास है, और ये जो है यहाँ पर देहरादून का प्रसिद्ध मधुबन होटल जो है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आपको जो है वो लेके चल रहा हूँ दिलाराम बाज़ार तक, क्योंकि चीज़ें तो सभी जगह हो रखी हैं, मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी है, लेकिन क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव एरिया है, इसलिए मैं उधर की तरफ आप लोगों को नहीं लेके जाऊँगा। वहाँ पर थोड़ा, क्योंकि निर्माण कार्य हुए हैं, लेकिन क्योंकि राजभवन हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, वहाँ की कवरेज थोड़ी नहीं होती है, तो इसलिए मैं उसको नहीं कर आप तक दिखाऊंगा। लेकिन आप अब देख सकते हैं, ये दिलाराम बाज़ार का इलाका है। दिलाराम बाज़ार के इलाके में भी आपको तमाम जो फसाद है वो दिखाई देगा। एक तो आपको सामने वो पुलिस, ये सामने आपको दिखाई देंगे, ये इधर की तरफ को आपको दिखाई देगा कि घास कैसे लगाई गई है, इस चौराहे को स्मार्ट थोड़ा चौराहा बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये इसको स्मार्ट बनाया गया है। इधर की तरफ ये आपको ये दिखाई दे रही होंगी, ये रेलिंग, ये पूरे राजपुर रोड में ये जो रेलिंग्स हैं इनको बनाया गया है एमडीडीए के द्वारा, और ये रेलिंग जो है वो काफ़ी अच्छा लुक जो है वो इस राजपुर रोड में दे रही है। और ये पूरा आगे तक, यानी परेड पलटन बाज़ार तक ये जो है ये रूट जो है कुछ ऐसा ही नज़र आता है। और अब हम थोड़ा यहाँ से वापस दिलाराम बाज़ार की तरफ को मुड़ेंगे, तो आपको यहाँ की जो ये चौड़ीकरण जो है वो आपको दिखाई देगा। पार्किंग की बड़ी समस्या रहती, काफ़ी चौड़ी जो है वो सड़क हो गई है, यहाँ पे पार्किंग जो है की समस्या रहती थी, यहाँ पे आपको दिखाई देगी ये पार्किंग भी की गई। और ये देखिए, ये 100 फीट के लगभग का झंडा जो है यहाँ लगाया गया है, ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। ये
प्रसिद्ध राज प्लाजा है और राज प्लाजा के आगे कभी भी गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं होती थी। अब यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था पूरी तौर पर दिखाई दे रही है और थोड़ा सा मैं आपको ये इस वाले इलाके की तरफ को लेके चलूँगा। यहाँ पर भी ये देखिए आपको स्वागतम और इस तरीके के जो अतिथि देवो भव और पहाड़ की जो कलाकृति है वो यहाँ दिखाने की थोड़ी कोशिश की गई है, उससे काफ़ी हद तक यहाँ का जो फसाड है वो दिखिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सांस्कृतिक धरोहरें जो हैं वो उत्तराखंड की दिखाई गई है। स्वस्थ दून, सुंदर दून, ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ को और राजभवन की तरफ को जाने वाला रास्ता है। तो आप इस रास्ते के दोनों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की दीवारों को सजाया गया है MDDA के द्वारा। अब ये देखिए मुख्यमंत्री आवास और राजभवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो तमाम इलाके हैं वो आपको दिखाई दिए होंगे और क्योंकि मैं सिक्योरिटी ब्रीच नहीं करना चाहता कि किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी टूटे और मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरी केवल ये कोशिश थी कि देहरादून कितना बदला है इसके बारे में आपको जानकारी दे सकूं और काफ़ी हद तक देहरादून बदला हुआ आपको ज़रूर नज़र आया होगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं चाहे सैंसदारा हो, चाहे अगर कहा जाए 6 नंबर पुलिया, उसके आसपास के कैनाल रोड के इलाके और जो तमाम देहरादून में जोली ग्रांड से लेकर FRI तक के जो, क्योंकि इन्वेस्टर समिट के दौरान ये तमाम चीज़ें बदलाव हुई उससे काफ़ी हद तक देहरादून में बदलाव देखे गए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।